अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, कल एक सवाल लिखवा के मैंने होमवर्क दिया था और उस सवाल का आंसर बता देता हूँ। रेट वेरिएंस 268500 नेगेटिव, एफिशिएंसी 150 नेगेटिव और आइडल टाइम 110 पॉजिटिव। ठीक है, चलें बाकी लोग भी देख लें अगर उनको कोई मसला है तो। रेट वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड माइनस स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। स्टैंडर्ड रेट था 100 रुपये, 100 रुपये एक्चुअल आवर्स पेड बताए हुए थे 17,900 बताए हुए थे कि नहीं, माइनस 115, क्योंकि कहा हुआ था स्टैंडर्ड से 15% ज्यादा, 17,900। ये हो गया रेट वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड। स्टैंडर्ड रेट है 100 रुपये, एक यूनिट बनाने के लिए वर्क 3 घंटे था और यूनिट्स बनाए थे कितने, तो 15,000 हो गए स्टैंडर्ड आवर्स वर्क इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड से कितने ज़्यादा लगे, 10% ज़्यादा यानी 16,500। और आइडल टाइम वेरिएंस है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स फारिग वाले माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स फारिग वाले। एक यूनिट बनता तो आधा घंटा जाया होना चाहिए था, तो 100 रुपये इंटू 2,500 माइनस एक्चुअली कितना टाइम जाया हुआ, 17,900 और 16,500 का डिफरेंस। 17,900 पे हुए और 16,500 काम हुआ, तो इनका डिफरेंस कितना, 41। चलो ये आइडल टाइम वेरिएंस। ये फार्मूले याद करने हैं आपने, याद नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये चैप्टर। चले आगे चलते हैं। अच्छा, लेबर रेट वेरिएंस केस वन, सॉरी लेबर के फार्मूले केस वन, क्या क्या फार्मूले हैं, रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रेट को चेंज करते हैं और ना अपना आर है अपना एक्चुअल। ठीक है, शाबाश। और एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी में जो ना रेट है वो सेम रखेंगे। सेम से क्या मुराद है, कौन सा वाला? स्टैंडर्ड वाला। और ना जो ना फर्स्ट आर है वो चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड और ना एक्चुअल। अच्छा, इसमें एक दो टिप्स बता देता हूँ याद रखने में, अगर आपको शायद काम की लगे। मुझे तो याद रखने में आसानी होती थी इससे। जब हम, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे ओवरहेड जो आगे पढ़ने लगे, जब हम रेट का, रेट प्राइस इसका वेरिएंस ले रहे हैं तो आर्स या क्वांटिटी एक्चुअल रखनी है, लेकिन जब हम क्वांटिटी या एफिशिएंसी का वेरिएंस ले रहे हैं तो रेट स्टैंडर्ड रखना है। दोबारा, जब हम प्राइस या रेट इसका वेरिएंस ले रहे हैं तो आर्स या क्वांटिटी एक्चुअल रखनी है, एक्चुअल एक्चुअल। और जब हम क्वांटिटी का वेरिएंस या आर्स का वेरिएंस ले रहे हैं तो रेट स्टैंडर्ड रखना है। अच्छा, दूसरी टिप, स्टैंडर्ड माइनस से पहले, एक्चुअल माइनस के बाद। एक्चुअल माइनस
स्टैंडर्ड माइनस से पहले एक्चुअल माइनस के बाद, ये तरतीब रखेंगे तो ही प्लस माइनस फेवरेबल और एडवर्स आने। जो लेबर के वेरिएंस केस वन में पड़े थे ना, बिल्कुल सेम वेरिएबल ओवरहेड के भी वेरिएंसेस हैं। जिस तरह लेबर के आर्स होते हैं, ओवरहेड्स के भी आर्स होते हैं। जिस तरह लेबर का रेट पर आर होता है, उस तरह ओवरहेड्स का रेट पर आर होता है। हो सकता है मशीन आर्स हो सकता है लेबर आर्स, लेकिन होंगे आर्स। जिस तरह वहां पर रेट वेरियंस है, यहां पर भी रेट वेरियंस है। हाँ, वहां पर होता है लेबर, नहीं नहीं सॉरी, जिस तरह वहां एफिशिएंसी वेरियंस है, यहां भी एफिशिएंसी वेरियंस है। लेकिन लेबर का जिस तरह रेट वेरियंस होता है, वेरिएबल ओवरहेड के रेट वेरियंस की जगह वहां पर नाम इस्तेमाल होता है खर्चा, एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग, ये वेरियंस। तो पेज टू पे नीचे वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरियंस लिखे हुए नोट्स में आइए। फेज टू के एंड पे वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस लिखे हुए हैं, ये वही लिखे हुए हैं जो लेबर के हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज देख लें, अगर काफ़ी है तो ठीक है, नहीं तो वर्ड चेंज करना हो तो कर लेना। ये एंड पे जो मैंने डब्बा बना के लिखा हुआ है कि ये एस आर ए आर ए एच, एस एच से क्या मुराद है? ए एच क्या है? क्या मतलब यूज्ड? अगर लेबर आर ही बेस है तो यूज्ड से क्या मुराद है, वर्क या पेड? वर्क, तो वर्क है। इसमें अगर लेबर आर्स ही है ना, क्योंकि जो ओवरहेड्स हैं, हो सकता है ये मशीन आर्स से लिंक्ड हो सकता है लेबर आर्स से लिंक्ड हो, तो अगर ये लेबर आर्स से लिंक्ड हैं तो ये वर्क वाले लेबर आर्स हैं, पेड वाले नहीं। पेड तो लेबर का मसला है कि फारिग बैठे हुए थे, उस पर भी उनको पैसे दे रहे हैं। ओवरहेड तो काम होगा तो ओवरहेड्स होंगे ना, तो इसलिए यहां पर ये जो आर्स है ना, आर्स एक्चुअल आर्स, अगर ये लेबर वाले ही हैं तो ये वर्क वाले हैं। ये मैंने यूज लिखा है, लेकिन अगर आपको यूज की जगह वर्क लिखना है तो आप यूज्ड को वर्क लिख लें। यूज्ड से वर्क ही मेरी मुराद थी, लेकिन अगर आप उसको यूज की जगह वर्क करना चाहें तो आप वर्क कर लें कि एक्चुअल आर्स से मुराद है एक्चुअल लेबर आर्स वर्क्ड। तो देख लीजिए वही फॉर्मूले, जैसे लेबर में रेट का वेरियंस था वैसे यहां पर एक्सपेंडिचर का वेरियंस है, जैसे लेबर में एफिशिएंसी वेरियंस था वैसे यहां पर ही एफिशिएंसी वेरियंस है, और उन दोनों को ऐड कर लें तो वहां पर लेबर कॉस्ट वेरियंस था, यहां पर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस है। बिल्कुल वही फॉर्मूले, इसकी प्रैक्टिस की जरूरत तो नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत तो नहीं है इसकी, पता नहीं। चलें लिखें छोटा सा सवाल फिर, एक कर ही लें। चलें नहीं नहीं कर लें, कर लें, लिखें सवाल। स्टैंडर्ड कार्ड लिखे, स्टैंडर्ड कार्ड, स्टैंडर्ड कार्ड में वेरिएबल ओवरहेड्स की लाइन है, फाइव मशीन आर्स, फाइव पांच मशीन आर्स एट द रेट ऑफ 20 रुपए पर आर, रुपीज 20 पर आर, ये स्टैंडर्ड है। एक्चुअल फॉर द पीरियड, छह हजार यूनिट्स बनाए हैं फिनिश गुड्स के, 6,000, अच्छा वो आए नोट्स पे हैं वापस पेज टू पे।
एंड पे AR into AH, ये क्या चीज है, इसको क्या नाम दें? जिस तरह पहले भी मैं कुछ अंग्रेजी के नाम बताता आ रहा था, आखिर में बिल्कुल AR into AH जो लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर वेरियंस में, एक्सपेंडिचर वेरियंस में माइनस AR into AH, क्या नाम दें इसको, क्या चीज है ये? ये एक्चुअल टोटल वेरिएबल एवरेज फॉर द पीरियड है। तो इनको ऐसे दायरा लगा के, जिस तरह पहले मैंने कल लेबर कॉस्ट और मटेरियल परचेजेज और ये सब बताया था ना, तो ये एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर द ईयर है। चलें सवाल पे वापस। एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स, सवाल बता रहा हूं, एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स सेवन फाइव नाइन ट्रिपल जीरो रुपीज आएंगे। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट वॉज 15% हायर देन स्टैंडर्ड। चले वेरिएबल ओवरहेड्स के तीनों वेरियंस निकालें, वेरिएबल ओवरहेड्स के तीनों वेरियंस करिए कैलकुलेट। जी 99,000 स्पेंडिंग वेरियंस, 99,000 एफिशिएंसी वेरिएंस 60,000, ये दोनों एडवर्स हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट कितना, 20 इंटू एक्चुअल आवर्स वर्कड, ये निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालने पड़ेंगे, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स बताए मैंने कितने, 759, और ये कहा है कि जो रेट था वो स्टैंडर्ड से 15% ज़्यादा था, स्टैंडर्ड 20 है तो एक्चुअल कितना होगा, तो इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे 33,000, ये एक्चुअल आवर्स ऐसे निकलेंगे। मैंने एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स बताए हैं और एक्चुअल रेट निकाल सकते हैं आप, तो एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। तो जिस तरह फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो रेट वाला, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरियंस बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस ये क्या है 759,000। अच्छा इधर 20 रुपये इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, 5, और एक्चुअल यूनिट्स कितने बनाए, तो इसका मतलब 30,000 यूनिट्स, 30,000 आवर्स लगने चाहिए थे, जबकि एक्चुअली लगे हैं 33,000 आवर्स। ये एफिशिएंसी वेरिएंस, ये हो गए वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। अब आते हैं मुश्किल वेरिएंस पे, इनको समझना हजम करना मुश्किल है, मैं कोशिश जरूर करूंगा लेकिन आप ना इनको याद करने पे तो कम से कम जोर लगाए ना। फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस पे आते हैं, इनके लिए पहले मैं आपको 2-3 टर्म्स सिखा दूं फिर फार्मूले बताता हूं। इनमें पहले एक दो चीजें सीख लेते हैं फिर फार्मूले पढ़ाता हूं आपको। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड साल के शुरू में बन गया और इसके इस्तेमाल क्या क्या है, अल्टरनेटिव कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, बजटिंग, इससे हमने बजट बनाया होगा, स्टैंडर्ड कार्ड बना लिया उससे बजट बनाया होगा,
मैं स्टैंडर्ड कार्ड बना रहा हूँ सामने। स्टैंडर्ड कार्ड में फिक्स्ड ओवरहेड जो लिखे हुए थे उनके आगे लिखा हुआ था कि 3 लेबर आर्स और 1 आर है 30 रुपए का। ये हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ, स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट। ये जो स्टैंडर्ड के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड का रेट लिखा हुआ है ना, ये ओआर ही होता है। ये वही ओआर है जो बचपन में सीखा हुआ। ओआर कब निकालते हैं? साल के एंड पे, स्टार्ट पे ना, तो ये वही होता है। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट में हमने फिक्स्ड ओवरहेड के सामने फिगर लिखी है ना, ये फिक्स्ड ओएआर ही है। इसी तरह जो वेरिएबल ओवरहेड के सामने लिखा हुआ है वो वेरिएबल ओएआर ही है। ये लिख लें बात वैसे कि स्टैंडर्ड, चाहे आप वहां लिख लें जो मैंने जब स्टैंडर्ड कार्ड का पूरा फॉर्मेट बना के दिया था, वहां लिख लें चाहे, या आज लिखना है आज लिख लें, जो जहां भी, बस आपने इसको लिख लें ताकि याद रहे आपको। जब मैंने स्टैंडर्ड कार्ड का पूरा फॉर्मेट बना के दिया था चैप्टर 10 कराते हुए, वहां लिखना है वहां लिख लें। अगर आज वाले लेक्चर में लिखना है तो आज वाले लेक्चर में लिख लें। ये जो स्टैंडर्ड कार्ड के फेस पे वेरिएबल ओवरहेड वाली लाइन है, ये वेरिएबल ओएआर है। इन इसके सामने जो फिगर है ना, ये वेरिएबल ओएआर है। ये वही ओएआर है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। इसी तरह जो फिक्स्ड ओवरहेड की लाइन है उसमें जो रेट आ रहा है ये फिक्स्ड ओएआर है। लिख लिया? तो फिक्स्ड ओएआर ये बजट जब बनाया था साल के शुरू में, तो हमने बजट बनाते हुए प्रोडक्शन सोची थी, प्रोडक्शन। और अभी मैंने आपको स्टॉक्स नहीं बताए तो प्रोडक्शन सेल्स बराबर है। प्रोडक्शन में सोचा था कि हम 5000 यूनिट्स तो बना ही लेंगे। जबकि एक्चुअली हमने जो यूनिट्स बनाए वो बनाए 5800। और जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आए वो आए 5,50,000। बल्कि 5,50 की बजाय इसको 5,10 कर लेता हूँ। ये सामने एक डेटा है, इससे मैं आपको ये फार्मूले समझाता हूँ, बना के देता हूँ। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने होंगे जरा कैलकुलेट करें। ये सामने डेटा लिखा हुआ है आपके सामने, ये बताएं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने। मैंने पहले बताया ये फिक्स्ड ओएआर है, तो बताइए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने होंगे। ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये फिक्स्ड ओएआर है, इसी से बजट बनाया गया है जी। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने होंगे? 450,000। कैसे? बिल्कुल ठीक है। देखें हमने इसी स्टैंडर्ड से ही बजट बनाना है, तो हमने स्टैंडर्ड क्या बनाया हुआ है कि एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो 5000 यूनिट्स बनाने के लिए 15,000 लगने थे, और 1 घंटा हमें 30 रुपए कॉस्ट करेगा, तो 15,000 घंटे 450,000। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड 450,000 रुपए थे। ये 450 जिनको समझ नहीं आया, दो तरीके से बता देता हूं। 5000 यूनिट्स बनाना हमने बजट किया था और एक यूनिट 3 घंटे में बनता है, तो 15,000 घंटे लगने चाहिए बजट के लिए, और 1 घंटा 30 रुपए कॉस्ट करता है, तो 30 रुपए। या फिर एक यूनिट पे कितने फिक्स्ड ओवरहेड लगते हैं? 90 रुपए।
तो 5,000 रुपये कितने लगेंगे? चाहे ऐसे देख लें, अच्छा मैं तीन टर्म्स बताने लगा हूं आपको। तीन टर्म्स बताने लगा हूं, ये बताएं कि जो फॉर द ईयर गुजर गया एक्चुअल लेबर आवर्स कितने? 7,000, ये लिखा हुआ मैंने 17,000। क्या होते हैं एक्चुअल लेबर आवर्स? जो इस साल एक्चुअली लेबर ने काम किया। स्टैंडर्ड आवर्स कितने? एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे का हमारा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड आवर्स क्या होते हैं? कल परसों 2 दिन से पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड आवर्स जितने एक्चुअल यूनिट्स बने उनके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने घंटे लगने चाहिए थे, तो एक्चुअली कितने यूनिट्स बने? 5,800। एक्चुअल आर्स 17,000 ये दिए हुए मैंने, स्टैंडर्ड आर्स कितने? 17,400। ये 17,400 कैसे? 2 दिन से हम यही काम कर रहे हैं। जितने यूनिट्स एक्चुअली बने 5,800, स्टैंडर्ड के मुताबिक 3 घंटे लगने चाहिए थे, तो टोटल इतने घंटे लगने चाहिए थे। अच्छा बजटेड आर्स कितने? बजटेड आर्स से क्या मुराद है? कि जितने घंटे काम होना हमने बजट किया था, या ये कह लें कि बजटेड प्रोडक्शन के लिए कितने घंटे लगने थे, तो कितने लगने थे? 15,000। अच्छा अब इन तीन टर्म्स को दोबारा सुनिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है और कुछ इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन ये है कि जितनी फॉर द ईयर एक्चुअल प्रोडक्शन हुई, जितनी फॉर द ईयर एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए इतने घंटे लगे, जबकि इतने लगने चाहिए थे। इन दोनों में कॉमन क्या है? कि ये दोनों एक्चुअल प्रोडक्शन की बात हो रही है, ये दोनों चीजें एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए बात हो रही है। कि जो एक्चुअली फॉर द ईयर प्रोडक्शन हुई 5,800, इनके लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे और कितने घंटे लगे। तो एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स दोनों एक्चुअल आउटपुट की बात कर रहे हैं। 5,800 यूनिट्स बनाने के लिए इतने घंटे लगने चाहिए थे, जबकि इतने घंटे लगे। इन दोनों में क्या कॉमन बात है? कॉमन क्या है इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन ये है कि ये दोनों इस 3 घंटे को इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। हमने स्टैंडर्ड कार्ड में रखा हुआ है कि एक यूनिट बने तो 3 घंटे लगने चाहिए, एक यूनिट बने तो 3 घंटे लगने चाहिए। तो इसी 3 घंटे स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए जितने यूनिट्स एक्चुअली बने उनके लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, और जितने यूनिट्स हमने बजट सोचे थे उनके लिए कितने घंटे लगते।
ये तीनों आर्स फिर सुन लें, जितने एक्चुअली यूनिट्स बनाए उनके लिए एक्चुअली इतने घंटे लगे, जितने एक्चुअली यूनिट्स बनाए उनके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक इतने घंटे लगने चाहिए थे, जितने हमने बजटेड यूनिट सोचे थे स्टैंडर्ड के मुताबिक इतने घंटे लगते, जितने एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए एक्चुअली इतने घंटे लगे, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक इतने घंटे लगने चाहिए थे, जितनी हमने बजटेड प्रोडक्शन सोची थी उसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक इतने घंटे लगते। पेज थ्री के टॉप पे देखिए, एक डब्बा बनाया हुआ मैंने राइट साइड पे, पेज थ्री के टॉप पे राइट साइड पे एक डब्बा बनाया हुआ, एएच एसएच और बीएच ये लिखा हुआ मैंने, ये जरा पढ़ के देख लें, अगर तो ये बात समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो कुछ वर्ड अगर और लिखना चाहें तो लिख लें नोट्स में। पेज थ्री के टॉप पे जो मैंने राइट साइड पे डब्बा बनाया हुआ है इसमें एएच एसएच और बीएच पढ़ के देख लें। जी जी वर्क वाले, वर्क वाले इसलिए यूज्ड लिखा है ना मैंने, शुड हैव बीन यूज्ड, वर्क इसलिए नहीं लिखा इसलिए मैंने कहा मशीन आर्ट भी है, लेकिन मशीन आर्ट भी वर्क के बारे में बोला जा सकता है, तो अगर आपको यूज्ड नहीं सही वर्क लग रहा है तो वर्क लिख लें। जी हार्ड वाली बात क्लियर, ठीक। फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस का मतलब है हमने कितना खर्चा टोटल सोचा था और कितना एक्चुअल हुआ, यानी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, कितना खर्चा सोचा था और कितना खर्चा हुआ, स्पेंडिंग वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स खर्चा वेरिएंस, कितना खर्चा सोचा था कितना खर्चा हुआ। अच्छा जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं ये कोई पर आर वाली चीज है,
एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स या टोटल का कॉन्सेप्ट है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ये टोटल का कॉन्सेप्ट है, इसका पर यूनिट पर आर से ताल्लुक नहीं है। तो हमने इतने टोटल खर्चे सोचे थे, इतने टोटल खर्चे हुए, ये है फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरियंस। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस का कॉन्सेप्ट समझिए, यहां पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम उससे मुराद है प्रोडक्शन, यानी गुड्स का वॉल्यूम। ये जो 4.5 लाख बनाए इधर, ये 4.5 लाख ये कैसे बनाए? 4.5 लाख बनाए हैं 15,000 × 30 ऐसे बनाए ना, ये 15,000 क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट, यही है। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फिक्स्ड हो जा रहे हैं। ₹17,400 × ₹30 इसको क्या नाम देंगे? 17,400 क्या है? स्टैंडर्ड आर्ट्स। क्या होते हैं स्टैंडर्ड आर्ट्स? 17,400 स्टैंडर्ड आर्ट्स का क्या इंटरप्रिटेशन है? क्या है ये 17,400? किसके लिए? एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो ये जो 17,400 है ये है स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये क्या है? स्टैंडर्ड वाला रेट। इनके टोटल को क्या नाम दें? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। इसके टोटल को क्या नाम देना चाहिए? सत्रह चार सौ क्या है? जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए इतने घंटे लगने चाहिए थे, ₹30 एक वाला। ये अप्लाइड है, ये अप्लाइड है कि जितनी एक्चुअल आउटपुट हुई उस पे इतने घंटे लगने चाहिए थे इस रेट वाले, ये अप्लाइड है। आपने इससे पहले वो ओवरहेड वाले चैप्टर में जो अप्लाइड पढ़ा था ना, आपने अप्लाइड में एक चीज ये पढ़ी थी कि अगर ₹90 पर यूनिट है तो इनटू एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें। वो ओवरहेड वाले चैप्टर में जो अप्लाइड पढ़ा था कि अगर ओएआर पर यूनिट दिया हुआ है तो एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर ओएआर पर आर दिया हुआ है तो एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई कर दें। ये उस चैप्टर तक तो ठीक था। क्यों ठीक था? क्योंकि तब तक स्टैंडर्ड आर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब ये नहीं सही है, इसकी जगह स्टैंडर्ड आर्स होंगे। क्योंकि हमने आर्स का वेरियंस पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, तो अप्लाइड का फार्मूला ये होता है, अगर रेट पर यूनिट है तो इंटू एक्चुअल यूनिट, और अगर रेट पर आर है तो इंटू स्टैंडर्ड आर्स, नॉट एक्चुअल आर्स। में ये इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उस चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड आर्ट्स तो हमने पढ़े नहीं थे ना अभी, ना ही उन सवालों में ये इंफॉर्मेशन थी, लेकिन वेरियंस में चूंकि ये इंफॉर्मेशन है इसलिए अगर ओएआर पर यूनिट है तो अप्लाइड निकालने के लिए इनटू एक्चुअल यूनिट्स, और अगर ओएआर पर आर तो इनटू एक्चुअल आर्ट्स, नहीं
स्टैंडर्ड आर्ट्स, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। इसका आंसर क्या आ रहा है इस सवाल के मुताबिक? 90 रुपए इंटू 5800 कितना आ गया? 30 रुपए इंटू 17400 क्या आंसर आ गया? ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि जितने एक्चुअल यूनिट्स बने उनके लिए ओवरहेड्स कितने होने चाहिए। ये अप्लाइड का कॉन्सेप्ट है कि जितने यूनिट्स एक्चुअली बने उनके लिए कितने ओवरहेड्स होने चाहिए थे। तो अगर मैं यहाँ एक्चुअल आर्ट्स रख दूंगा तो यह आंसर नहीं आएगा, इसलिए स्टैंडर्ड आर्ट्स। तो इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें हमारे पास ज्यादा डिटेल मौजूद है, अप्लाइड OAR पर आर इंटू स्टैंडर्ड आर्स, इंटू स्टैंडर्ड आर्स नॉट एक्चुअल आर्स। तो ये क्या चीज है? अप्लाइड। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरियंस का फार्मूला होता है अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। और इसको वॉल्यूम वेरियंस क्यों कहते हैं वो भी देख लें। इन दोनों में फर्क किसकी वजह से आ रहा है? 30 रुपए की वजह से, उस 3 घंटे की वजह से। ये 17400 कैसे बने? 3 घंटे इंटू 5800। ये 15000 कैसे बने? 3 घंटे इंटू 5000 यूनिट्स। इन दोनों में फर्क किसकी वजह से आ रहा है? ये वॉल्यूम की वजह से, कि हमने जितना वॉल्यूम बनाने का इरादा किया था हमने इतना वॉल्यूम बना लिया उसी फैक्ट्री के अंदर, उसी फैक्ट्री उन्हीं रिसोर्सेज में हमने इतना वॉल्यूम बनाने का सोचा था, इतना वॉल्यूम बना लिया। ज्यादा बना लिया तो फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल है ना, इसलिए माइनस से पहले इनको रखा हुआ। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो फेवरेबल वेरियंस होगा, लेकिन अगर जितने बनाने सोचे थे उससे कम बनाए तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो एडवर्स। तो ये है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। और अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या कट कट आ जाएगा? बजटेड कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा अप्लाइड माइनस एक्चुअल। ये फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस। तो इसमें टॉप पे पेज 3 पे ये 3 फार्मूले लिखे हुए हैं, ये तीनों देख लें। और ये जो सामने डब्बा बना हुआ है इसमें मैंने ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स भी लिख दिए हैं। अच्छा, ये डब्बे में देखें, ये जो डब्बा बनाया हुआ है अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर्स और स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आर्स। ये स्टैंडर्ड रेट क्या है, 30 रुपये या 90 रुपये? 30, क्योंकि 30 पर आर है तभी तो इनटू स्टैंडर्ड आर्स हो रहा है। आगे देखें, जगह खाली है तो आप लिख लें तो बेहतर है, कि अगर हम स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इस्तेमाल कर रहे होंगे तो अप्लाइड कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट, तो अप्लाइड के सामने जगह नजर आ रही है ना, तो आप वहां लिख लें कि अगर हम स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ले रहे होंगे तो इनटू एक्चुअल आउटपुट करना पड़ेगा। ये जो मैंने अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड लिखा हुआ है इसमें यह लिखा हुआ है ना, तो स्टैंडर्ड रेट पर आर है इसलिए ये लिखा हुआ। आप साथ ये लिख लें कि अगर ये स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट हो तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्चुअल आउटपुट से। इसी तरह मैंने बजटेड ओवरहेड लिखे हुए। अच्छा, हमारी कोशिश होगी सवालों में भी हम यही यूज कर रहे होंगे,
लेकिन मैं ये फिर भी आपको एहतियातन बता रहा हूं, हो सकता है किसी सवाल में हम शॉर्टकट के लिए ये भी चला लें, प्रेफरेंस यही है, प्रेफरेंस यही है, लेकिन हो सकता है कि किसी सवाल में एहतियातन ये चला लें, ठीक है, तो इसको आप लिख लें। अच्छा, इसी तरह बजटेड के आगे क्या लिखा हुआ मैंने, अच्छा, और अगर ये रेट पर यूनिट यानी 90 रुपए हो तो इनटू बजटेड ओवरहेड्स निकालना, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, बजट स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट है, शुक्र, ये लिख लें सवालों में, ये शॉर्टकट के इस्तेमाल हो सकता है, प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी, लेकिन ये भी आप लिख लें। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, अब थोड़ा सा और मुश्किल काम हो रहा है, अगर ये समझ नहीं आया ना, ये ना असल में काफी मुश्किल है, अगर ये समझ नहीं आया तो दिल छोटा मत करें, फार्मूला याद कर लें। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को भी और तोड़ा जा सकता है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को भी और तोड़ा जा सकता है। अच्छा, स्टूडेंट ने कब तोड़ना है बताया होगा सवाल में, जब नाम लेके पूछे होंगे ना जो मैं इसको तोड़ूंगा तो तोड़ना है, वरना ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस काफी है। ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को आगे दो मजीद हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, एक कहलाता है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और एक कहलाता है कैपेसिटी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला तो बिल्कुल वही है जो पहले भी दो पढ़ चुके, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, सेम फार्मूला है, देख लें फार्मूला पेज 3 पे देखिए, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, सेम फार्मूला है जो लेबर में भी पड़ा है, सेम फार्मूला है जो ओवरहेड्स वेरिएबल में भी पड़ा है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस वैसे ही है जैसे बाकी एफिशिएंसी वेरिएंस थे दोनों, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस देखें, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला है क्या फार्मूला, मुझे भूल जाता हर दफा, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स। कैपेसिटी वेरिएंस का मतलब है कि हमने जो हमारी फिक्स्ड फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमारे पास जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी क्या है, हम इतने घंटे काम कर सकते हैं, ये कैपेसिटी होती है, तो कैपेसिटी वेरिएंस ये है कि हमने कितने घंटे काम करने का बजट बनाया था और कितने घंटे एक्चुअली काम किया, यानी उसी फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री तो वही है ना, उसी का वही रेंट जा रहा है, उस पूरे एसेट्स की डेप्रिसिएशन वही हो रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम वही जा रहा है, लोगों की फिक्स सैलरीज वही जा रही हैं, तो उन्हीं फिक्स्ड खर्चों के अंदर पूरा जो सेटअप है, इतने घंटे का इरादा किया था, इतने घंटे एक्चुअली काम किया, ये कैपेसिटी वेरिएंस है।
कि हमने कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल करनी सोची थी, कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल कर ली, फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड हेड इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड हेड इनटू बजटेड आवर्स। ये पांचों फार्मूले एक नज़र फिर देख लें, फिर इनका सवाल करते हैं, और इसके एंड पे एक नोट लिखा हुआ है, देखें पढ़ के समझ आती बात। फिक्स्ड ओवरहेड ही नहीं होते, कहाँ नहीं आ रहे होंगे, नहीं फिर पढ़ो। वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्जिन में अप्लाइड नहीं होते, अप्लाइड एब्जॉर्प्शन में होते हैं, मार्जिन में तो अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो जब उसमें अप्लाइड ही नहीं होने तो फिर स्पेंडिंग ये जो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला ही बेकार हो गया। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अगर फॉलो हो रही हो तो वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो हो रही हो तो वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता। अच्छा स्पेंडिंग वेरिएंस भी नहीं होगा या वो हो सकता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं होते होंगे? होते होंगे। क्या एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं होते होंगे? होते होंगे। तो स्पेंडिंग वेरिएंस होता है, वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो हो रही है तो वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता, स्पेंडिंग वेरिएंस होता है। अच्छा टोटल कॉस्ट वेरिएंस में फिर क्या बच जाएगा? सिर्फ और के बाद वाला फॉर्मूला देख के बताएं। सिर्फ स्पेंडिंग वेरिएंस बच जाएगा, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में होता ही सिर्फ स्पेंडिंग वेरिएंस, सिर्फ स्पेंडिंग वेरिएंस होता है। ठीक है, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता, सिर्फ स्पेंडिंग वेरिएंस ही होता है। चलें इसका एक सवाल आप लोग कर दें, सवाल लिखें। स्टैंडर्ड है 4 घंटे 80 रुपए का एक, उसमें कंबाइंड होता था, यहाँ पे हमने तोड़ दिया है तो हाँ वही वाला टूट जाता है बस। यानी उसमें अगर न्यूमिरेटर में फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग करके वेरिएबल अलग कर दें तो वो 2 AR निकल आएंगे, तो वही टूटा है बस। अच्छा जी, बजटेड प्रोडक्शन 5200, बजटेड $4,500, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 16-15, और एक्चुअल आवर्स 19,000। चल बस ये इतना डेटा है, ये पांचों वेरिएंस निकाले। ये पांचों वेरिएंस कैलकुलेट करें। उधर सवाल पे आके ना रुक गया ना, पॉज करना था। हाँ जी, हुआ कि नहीं?
गया। बजट एंड ओवरहेड्स कितने? अच्छा चलें छोड़ें, एक्चुअल आर्ट्स कितने? 19,000। स्टैंडर्ड आर्ट्स कितने? 4500 यूनिट्स एक्चुअली बने, कितने घंटे लगने चाहिए थे? 18,000। बजटेड आर्ट्स कितने? इतने यूनिट्स बनाने के लिए इतने घंटे लगते? 20,000। पहला क्या है जी? बल्कि स्पेंडिंग वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल। तो बजटेड नहीं दिए तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालें? बजटेड आर्स इंटू 80 रुपए, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बन गए 20,800 × 80 माइनस एक्चुअल कितने? 16,15 क्या आंसर आ गया इसका? ₹49,000। पॉजिटिव नेगेटिव? ये फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन है। एक्चुअल मल्टीप्लाई करके नहीं निकालने, वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या है? अप्लाइड माइनस बजटेड, और अप्लाइड है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर्स, और बजटेड है स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आर्स। तो 80 रुपए इंटू 18,000 माइनस ये क्या चीज है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, यही 20,800 × 80 रुपए। अच्छा, ये किसी को मसला तो नहीं है कि इधर 80 पहले लिख दिया, इधर 80 बाद में लिखा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कितना आ गया? 224 एडवर्स। ये हो गया वॉल्यूम वेरिएंस। अब वॉल्यूम वेरिएंस को आगे तोड़ते हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आर्स। तो स्टैंडर्ड रेट 80 इनटू स्टैंडर्ड आर्स 18,000 माइनस स्टैंडर्ड रेट 80 इनटू एक्चुअल आर्स 19,000। कितना आ गया? 80,000 एडवर्स। कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू
बजटेड आर्स स्टैंडर्ड रेट 80 रुपये इंटू 19,000 माइनस स्टैंडर्ड रेट 80 रुपये इंटू 20,800 144 नेगेटिव नेगेटिव, ये कैपेसिटी वेरिएंस। अच्छा कैपेसिटी वेरिएंस में वो ऐसे ही बस मुझसे बजटेड आर्ज इंटू एस आर हो गया, एस आर इंटू बजटेड आर्ज कर लें, रेट पहले लिख लें, कोई बात नहीं। और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। ये हो गए फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, इनफैक्ट ये हो गए कॉस्ट वेरिएंसेस। अब आते हैं सेल वेरिएंसेस पे। ठीक है आगे चलें। अच्छा अभी ना आपको मैं सेल वेरिएंस, दो ही वेरिएंस हैं ये करा रहा हूँ, उसके बाद ये क्लास एंड करते हैं। उसके बाद ना मैं होमवर्क दूंगा काफ़ी सारा, 4-5 सवाल दूंगा, लेकिन वो इतनी देर वाले नहीं होंगे, उसमें बस आपने वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं, जल्दी हो जाएंगे। ये होमवर्क इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अगली क्लास में अब आपको रिकन्सिलिएशन पढ़ाने लगा हूँ, और रिकन्सिलिएशन के बाद फुल फ्लैज सवाल, यानी जिनमें मुश्किल सवाल भी शामिल हैं। तो जिस तरह मैंने साथ साथ छोटे छोटे सवालों की प्रैक्टिस कराई ना, इसी तरह से 3-4 सवाल और कर लें तो अच्छा है, उसके बाद ताकि मैं जब हैवी किस्म के सवाल कराऊं तो आपको कम से कम ये मसला ना आ रहा हो कि वेरिएंस का फार्मूला क्या था, आप वेरिएंस के फार्मूलों पर हाथ चल गया हो आपका, ताकि फिर हम मुश्किल सवालों को हैंडल करना है, शुरू करें। तो अभी आपको 2 फार्मूले 3 फार्मूले और बता रहा हूँ, उसके बाद होमवर्क दूंगा 1 2 3 4 5 5 सवाल, ये करके आइएगा। ये सिर्फ ये अभी जिस तरह के सवाल कर रहे हैं 2-4-5 मिनट में सवाल हो जाता है, तो आधे घंटे में हो जाएंगे 4 सवाल, नहीं 1.5 घंटे में हो जाएंगे, 1 घंटे में हो जाएंगे, चलें 1 घंटा डन, 1.5 घंटा। लेकिन ये सवाल करेंगे तो फिर अगली क्लास के अंदर आपको फायदा होगा। चलें कॉस्ट वेरियंसिस खत्म, अब सेल वेरियंसिस पे आते हैं। मटीरियल प्राइस वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फार्मूला क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, ये होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। जितने यूनिट्स एक्चुअली खरीदे, कितने के खरीदने चाहिए थे, कितने के खरीदे, ये कॉन्सेप्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और जितने के खरीदने चाहिए थे
वो माइनस से पहले और जितने के खरीदे उसको माइनस के बाद क्यों रखा? ताकि अगर जितने के खरीदने चाहिए थे वो ज्यादा है और एक्चुअली सस्ते में खरीद लिए तो आंसर पॉजिटिव आए, फेवरेबल बात है ये। सेल प्राइस वेरिएंस क्या होगा? सेल प्राइस वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी क्या लूंगा उसमें? अब हम सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल्स एक्चुअल क्वांटिटी सेल लूंगा अब मैं, एक्चुअल क्वांटिटी सेल, एक्चुअल क्वांटिटी सेल इनटू क्या करूं? हाँ उसी तरह करना है तो इसी तरह करना है, पता है वो मटेरियल। हाँ ऐसे ही करना है, एक्चुअल प्राइस प्राइस, और इधर स्टैंडर्ड प्राइस, ये सेल प्राइस वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंसेस बता दिए, अब मैं सेल वेरिएंसेस बता रहा हूं। और जिस तरह कॉस्ट वेरिएंसेस में था ना कि जितना सोचा था एक्चुअली उससे कम हुआ तो फेवरेबल है, सेल वेरिएंसेस में क्या होगा? जितना सोचा था एक्चुअली उससे ज्यादा हुआ तो फेवरेबल होगा। तो जिस तरह मैंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस थी ऐसी देखें सेल प्राइस वेरिएंस बन गई, एक्चुअल कॉस्ट इधर थी स्टैंडर्ड उधर थी। अब चूंकि रेवेन्यू की बात हो रही है तो एक्चुअल प्राइस यहां है और स्टैंडर्ड प्राइस यहां है, क्योंकि जितने का सोचा था उससे महंगा बेचेंगे तो फेवरेबल है इसलिए माइनस से पहले रखा। और वो मटेरियल खरीदने की बात थी तो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, गुड्स बेचने की बात हो रही है तो एक्चुअल क्वांटिटी सेल। ये है सेल प्राइस वेरियंस। इसी तीसरे पेज पे ही देखिए, तीसरे पेज पे ही देखें सेल वेरियंसेज में, नंबर वन सेल प्राइस वेरियंस, एक्चुअल क्वांटिटी सेल इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सेल इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। पहले लिख दिया प्राइस। हाँ तो सेल प्राइस वेरिएंस। एक और चीज इसको ये ऐसे हाईलाइट करके क्या लिख लें, ये क्या है? ये एक्चुअल सेल्स फॉर द ईयर है, ये एक्चुअल सेल्स फॉर द ईयर है। तो उसको ऐसे हाईलाइट करके लिख लें, ये एक्चुअल सेल्स फॉर द ईयर। अच्छा इसी तरह मटेरियल में एक चीज मिस कर दी थी, पहले पेज पे आए सारे मटेरियल हैं उनमें से किसी में भी कर लीजिएगा, चाहे टॉप पे कर लें, चाहे उसके बाद कर लें, चाहे आप इसमें जो सबसे पहले पेज पे जो सबसे टॉप पे आ रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, चाहे उसमें ये बात लिख लें, चाहे आप नीचे जो केस टू में मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ रहा है चाहे वहां लिख लें, बल्कि वहां भी लिख लें और ऊपर भी लिख लें। हाँ ये बेहतर है, जो ऊपर आ रहा है ना बिल्कुल टॉप पे टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस माइनस के बाद एसी इनटू एक्यू, ये क्या चीज है? पहले पेज पे बिल्कुल टॉप पे सबसे पहला फार्मूला केस वन टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नहीं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट किसको कंसिडर करेंगे हम, जितने का मटेरियल खरीद रहे हैं या जो इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर एसी इनटू एक्यू लिखा हुआ है ये है एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर, एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर। और इसी तरह से केस टू में भी आप ये काम कर सकते हैं, उसमें आप बी में आके लिख लें बात, केस टू में बी में टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरियंस लिखा हुआ है ना एसी इनटू एक्यू यूज्ड, हाँ तो ये भी यही है, ये एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर द ईयर। चलें पेज थ्री पे वापस, सेल प्राइस वेरियंस समझा दिया, सेल प्राइस वेरिएंस डन। क्या सेल की? नहीं नहीं बस दो फॉर्मूले बता दूं ताकि खत्म हो जाए। बजटेड प्रॉफिट
अगर 6 मिलियन है और एक्चुअल प्रॉफिट, ये वो मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से टॉपिक शुरू किया था मैंने, 4 मिलियन है, तो हम क्या करने चले थे? इस 2 मिलियन के डिफरेंस को ढूंढने चले थे ना, वेरिएंस एनालिसिस। मैंने इसी जगह पर ये बात लिखी थी, फिगर्स कुछ और थी, मैंने ये कहा था कि इसी डिफरेंस को ढूंढना, इसके रीजंस ढूंढना, ये वेरिएंस एनालिसिस है। हमने बजट किया था कि 3,000 यूनिट्स बनाएंगे और बेचेंगे, ये निकला हुआ है 3,000 यूनिट्स की बेस पे, जबकि एक्चुअली हमने सिर्फ 2,000 यूनिट्स बना के बेचे। हमने एक्चुअली 2,000 यूनिट्स बना के बेचे, बजट किया था 3,000 यूनिट्स बना के बेचेंगे। अभी तक जितने कॉस्ट वेरिएंसेस पढ़े उसमें हम कौन सा आउटपुट ले रहे होते थे? जितने भी कॉस्ट वेरिएंसेस अब तक सवाल भी किए, फार्मूले पढ़ लिए, वो किस प्रोडक्शन की बेस पे थे? एक्चुअल प्रोडक्शन की बेस पे। सारे कॉस्ट वेरिएंसेस फार्मूले देख लें आप, उन सब के अंदर एक्चुअल प्रोडक्शन थी, सारे सवालों के अंदर एक्चुअल प्रोडक्शन बताता था मैं। यानी अभी तक हमने जो कॉस्ट वेरिएंसेस निकाले, देखिए हम लोग वेरिएंस एनालिसिस क्या कर रहे हैं, इस 2 मिलियन का रीजन ढूंढ रहे हैं ना, हम बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे थे, 2 मिलियन का डिफरेंस आ गया, हम इसके रीजंस ढूंढ रहे हैं, वही वेरिएंस एनालिसिस है। तो ये जो हम 2 मिलियन ढूंढ रहे हैं, अगर हमने सारे वेरिएंसेस निकाल लिए तो उन सबका टोटल कितना बनना चाहिए? 2 मिलियन बनना चाहिए ना, क्योंकि हम 2 मिलियन को तो ढूंढ रहे हैं। यानी हमने अगर सारे वेरिएंसेस ढूंढ लिए तो 6 मिलियन और 4 मिलियन का फर्क समझ आ जाएगा कि क्यों आया। हमने अब तक जितने कॉस्ट वेरिएंसेस निकाले, हमने अब तक जितने कॉस्ट वेरिएंसेस निकाले वो किन यूनिट्स की बेस पे निकाले? यानी 2,000 यूनिट्स की बेस पे ना, जितने कॉस्ट वेरिएंसेस निकाले वो 2,000 यूनिट्स की बेस पे निकाले, कि 2,000 यूनिट्स पे इतनी मटेरियल लगनी चाहिए थी, इतना मटेरियल लगा, 2,000 यूनिट्स पे इतनी लेबर कॉस्ट लगनी चाहिए थी, इतनी लेबर कॉस्ट लगी, 2,000 यूनिट्स के लिए इतने ओवरहेड्स होने चाहिए थे, इतने ओवरहेड्स हुए। अब तक हमारे सारे के सारे कॉस्ट वेरिएंसेस इन 2,000 की बेस पे थे। सेल प्राइस वेरिएंस कैसे निकाला? सेल प्राइस वेरिएंस, सेल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, सेल प्राइस वेरिएंस भी किन यूनिट्स पे निकला हुआ? 2,000 पे के 3,000 पे? 2,000 पे। यानी हमने अब तक जितने कॉस्ट वेरिएंसेस पढ़ लिए, सारे पढ़ लिए, वो सारे भी 2,000 पे बेस थे, कि 2,000 यूनिट्स पे कितना खर्चा आना चाहिए था, कितना आया। और अभी अभी सेल प्राइस वेरिएंस बताया, वो भी किस पे बेस्ड है? वो भी 2,000 पे बेस्ड है। हमने कॉस्ट वेरिएंसेस भी पढ़ लिए, सेल प्राइस वेरिएंस भी पढ़ लिया, और ये सारी चीजें किस पे बेस करके निकाली हैं? 2,000 पे। तो इसमें और इसमें फर्क सिर्फ इसलिए है कि जो 2,000 यूनिट्स बने उनकी कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी और क्या आई, कितने के बिकने चाहिए थे और कितने के बिके, यही रीजन है बस। और क्या, 1,000 यूनिट्स का भी तो रीजन है कि 1,000 यूनिट्स भी तो कम बिके। हमने अब तक कॉस्ट वेरिएंसेस और सेल प्राइस वेरिएंसेस ये तो निकाल लिया कि 2,000 यूनिट्स कितने के बिकने चाहिए थे, कितने के बिके, कितने के बनने चाहिए थे, कितने के बने, हमने ये तो निकाल लिया, फर्क पता चल गया। लेकिन इस प्रॉफिट में और इस प्रॉफिट में सिर्फ इस वजह से फर्क थोड़ी है कि 2,000 यूनिट्स जितने के सोचे थे उतने के नहीं बिके, 2,000 यूनिट्स जितने के बनने चाहिए थे उतने के नहीं बिके, एक और भी रीजन है, 1,000 यूनिट्स भी तो नहीं बिके, तो हमें फिर एक और वेरिएंस निकालना पड़ेगा। और हमने अभी तक क्या किया हुआ है, इन 1,000 यूनिट्स का कोई भी वेरिएंस नहीं निकाला ना, ना कॉस्ट ना सेल, तो कॉस्ट और सेल को नेट करके एक ही वेरिएंस निकाल लेते हैं, इसको कहते हैं सेल वॉल्यूम वेरिएंस। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो तो हम इसमें प्रॉफिट इस्तेमाल करते हैं, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग हो तो हम इसमें कंट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। क्या? जितने यूनिट्स सोचे थे बजट और जितने यूनिट्स एक्चुअली बने, 1,000 यूनिट्स का भी फर्क आया ना, और हम लोग फर्क ढूंढ किस में रहे हैं? प्रॉफिट
प्रॉफिट में, तो उन 1000 यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट नहीं कमा पाए, 1000 यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट वो यहां डालेंगे तो अब इनका डिफरेंस जस्टिफाई हो जाएगा। 1000 यूनिट्स कैसे बोला मैंने, हम 1000 यूनिट्स नहीं बेच सके और उस पे जो प्रॉफिट कमाने का सोचा था वो नहीं कमा सके, तो 1000 यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो पर यूनिट प्रॉफिट चीज नहीं होती, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन होता है, तो फिर 1000 यूनिट्स इनटू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड। ये फार्मूले देख लें दोनों, सेल वॉल्यूम वेरियंस के दोनों फार्मूले देख लें। और एक्चुअल को माइनस से पीछे इसलिए रखा है ताकि ज्यादा हो तो फेवरेबल आ जाए, कम हो तो एडवर्स आ जाए। तो एक्चुअल क्वांटिटी और बजटेड क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हो गया सेल वॉल्यूम वेरियंस। इसके नीचे जो एग्जाम नोट्स लिखे हुए हैं उनमें से अभी आप सिर्फ और सिर्फ तीसरा बुलेट पॉइंट पढ़ लें, ठीक है? तो जो बाकी चार हैं वो अभी नहीं, बल्कि हाँ चौथा भी पढ़ लें। तो तीसरा और चौथा बुलेट पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, पहला दूसरा और पांचवा ये अभी आगे चल के देखेंगे हम, ठीक है जी? ये हो गए वेरिएंसेस पूरे। अच्छा, अब करना क्या है, हमने कुछ एडवांस वेरिएंसेस रहते हैं अभी, एडवांस वेरिएंसेस उन पे कुछ दिन बाद बात करेंगे। और कल एक चीज आपको पढ़ा, रिकंसिलिएशन, क्या लगता है नाम से क्या होगा उसमें? बजटेड प्रॉफिट से शुरू करेंगे, वेरिएंसेस लिखते जाएंगे, और वो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। ये रिकंसिलिएशन है, ये कल कराऊंगा, मुश्किल सवाल कराऊंगा, एक दो दिन मुश्किल सवालों पे लगाऊंगा, एडवांस वेरिएंस रहता है वो कराऊंगा एक, और फिर रिवर्स वर्किंग कराऊंगा। ये रहता है इस चैप्टर के अंदर, यानी तकरीबन अभी इस पे कोई तीन चार क्लासेस रहती हैं इस पे। लेकिन इन सब में मजीद मुश्किल हो जाएगी अगर आप ये जो मैंने इतनी मेहनत से वेरियंस के फार्मूले पढ़ाए हैं इनको ढंग से याद ना करें तो। तो एक तो आप इनको याद करें, और दूसरा इन्हीं की आसान प्रैक्टिस के लिए मैं आपको तीन चार सवाल दे रहा हूं, पांच बल्कि। अगर नहीं करेंगे तो मर्जी आपकी ना करें, कर लेंगे तो आप पे ही भला है, और इतनी देर के नहीं है ये सवाल। अच्छा, मुझे ना आप जरा वो राइस की बुक में से ढूंढ के बताना जो पूछूं। अच्छा, एक देखें, अच्छा चूंकि वेरिएंसेस पढ़ा दिए तो एक थ्रेटिकल, ये कौन सा लेक्चर 53, एक इसमें ना थ्रेटिकल चीज भी है वो आपने याद करनी है, वो पूछी जा सकती है। वैसे तो आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये तो मैं खुद से भी लिख सकता हूं, लेकिन याद कर लीजिएगा ये आपसे पूछा जा सकता है। मैं वो एक टेबल बनाया हुआ है आई कैप की बुक में तो था लेकिन मुख्तलिफ पेजेस पे फैला हुआ था, तो मैंने समेट के ना एक टेबल में लिख दिया, और ये टेबल जो जिनके पास पैक की बुक है उसमें भी बना हुआ है, राइस की बुक में भी गालिबन बना ही होगा, लेकिन मैंने आई कैप वाले पॉइंट ही कॉपी करके उनको थोड़े से ज्यादा एक्सप्लेन है, तो कर लेंगे तो अच्छा है वो वाला। अगर आपको ना वो समझ आए तो फिर मैं कोई और पेज बता दूंगा, लेकिन एक पेज बनाया हुआ मैंने समरी जिसमें आई कैप की बुक में जितने जितने पॉइंट्स लिखे हुए थे मैंने उनको उठा के तो एक टेबल की शक्ल में कंबाइन कर लिया। तो ये मैंने पीडीएफ वहीं अपलोड किया हुआ है,
तीन पेजेस हैं ये, और ये पेजेस मैंने आई कैप की ही बुक से जो जो रीजंस लिखे हुए थे वहाँ से कॉपी किए हैं, बस उनको टेबल की शक्ल में डाला। बस आप ये समझिए कि उनको मैंने टेबल की शक्ल में कंपाइल किया है, वरना आई कैप की बुक में ये अलग अलग जगहों पर लिखे हुए थे। तो ये को तीन पेजेस बनते हैं, ये आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो आसान है, आपको लगेगा कि हाँ यही वजह हो सकती है। जैसे मटीरियल प्राइस वेरियंस एडवर्स आ रहा है, क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है? मटीरियल प्राइस वेरियंस एडवर्स आने की क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है? ये तो जाहिर सी बात है, तभी तो एडवर्स है। क्यों ज्यादा पे लिया? मार्केट से मिली ऐसे रहा है, इन्फ्लेशन हमारी सोच से ज्यादा हो गई, और हमने जिस सप्लायर से मांगा था वो नहीं है, अब किसी और को जाके ढूंढना पड़ा। हमने जिस नहीं वो तो बड़ी है तो एडवर्स आया ना, इसके अलावा कोई और कॉस्ट, मतलब कोई और एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ गई जो हमने नहीं सोची थी। सप्लायर मार्केट में शॉर्टेज हो गई, सप्लायर ने ब्लैकमेलिंग करके प्राइसेस बढ़ानी शुरू कर ली, तो ये रीजंस हो सकते हैं, और इन्हीं को उलट करेंगे तो फेवरेबल के रीजन हो जाएंगे। तो ये पॉसिबल रीजंस हैं, ये आपसे थ्रेटिकली पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर में थ्रेटिकल चीज है, चैप्टर 11 की बात कर रहा हूँ, 10 में मैंने आपको बता दिया था, एक पेज मार्क भी करवा दिया था, अब मैं 11 की बात कर रहा हूँ। तो ये रीजंस हैं वेरियंसेस के वेरियंसेस क्यों अराइज होते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने एक PDF फाइल अपलोड कर दी है, इसको देख के पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगे कि इसको याद करना है तो याद कर लेना, अगर आपको पढ़ के लगे कि तो आसान सी बात है तो मैं खुद बना लूंगा तो खुद बना लेना, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना। अच्छा, होमवर्क वाले सवाल नोट कर लें, फिर बता रहा हूं अगर आपको सवाल करते हुए मौत पड़ेगी तो फिर मेरे पास उसका कोई हल नहीं है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं करने के लिए कि जब मैं कल मुश्किल सवालों पे हाथ डालूं, जब रिकंसलेशन कराऊं, तो फिर आपने ये सवालों की प्रैक्टिस की हो और आपको फार्मूले याद हो गए, ताकि मुश्किल सवालों की मुश्किल कम हो सके। अच्छा जी, एक है जिनके पास पैक की बुक है, पेज 325 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 11, ये स्प्रिंग 2013 का सवाल है, हल्क लिमिटेड के नाम से पास पेपर है, स्प्रिंग 2013 हल्क लिमिटेड के नाम से। हल्क, वो हल्क नहीं, इनक्रेडिबल हल्क जो एवेंजर्स वाला, स्प्रिंग 13 नहीं है। अच्छा, ये सवाल अच्छा है, ये इसकी ना पिक्चर लेके तो ग्रुप में डाल देना, ठीक है, स्प्रिंग 13 की पिक्चर लेके, बल्कि आपके पास तो है ही नहीं, चलें जिसके पास हो ना वो इसकी पिक्चर लेके, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 है हल्क लिमिटेड स्प्रिंग 2013 का, इसके क्वेश्चन की और आंसर की पिक्चर लेके कोई ग्रुप में डाल देना। हाँ हाँ, तो मैंने नहीं की ना, तो वीडियो भी तो कल ही सुन रहे होंगे ना, तो जब ये मेरी आवाज आवाम तक पहुंचे तो कोई नेक दिल इंसान इसकी पिक्चर लेके तो ग्रुप में डाल देना, इसके क्वेश्चन की भी और इसके आंसर की भी। एक ये सवाल हो गया, इसके अलावा आई कैप से सवाल बता रहा हूं कुछ,
अच्छा जी, जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है। अब ये मैं कुछ सवाल बता रहा हूँ आई कैप की बुक से, देखना बताना, शायद राइस में भी हूँ आई कैप क्वेश्चन बैंक के नाम से। जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है उसमें टेन पॉइंट टू, 10.2, उसमें पार्ट ए है जी कंपनी और पार्ट बी है कंपनी जे, है कि? चले, अगर नहीं है तो आई कैप की बुक के अंदर पेज 371 पे एग्जाम्पल टू है, एग्जाम्पल टू। नई बुक के अंदर ना मसला ये होता है कि क्वेश्चंस नहीं होते, क्वेश्चंस एग्जाम्पल की तरह बनाए होते हैं तो आंसर और क्वेश्चन में फर्क नहीं पता चलता। तो देखिए इसमें आई कैप की बुक में पेज 371 पे एग्जाम्पल टू, दो तीन पैराग्राफ के बाद एक लाइन लिखी आ रही है, द डायरेक्ट लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस फॉर द मंथ वुड बी एज फॉलोज। तो ये जो एज फॉलोज है ना, ये सॉल्यूशन है, यानी रिक्वायरमेंट क्या हुई, डायरेक्ट लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस, ये रिक्वायरमेंट है। ये हो गया पार्ट ए, और अगले पेज पे पार्ट बी है, उसमें भी देखिए ऐसे ही कि एक टेबल बना हुआ है, उसके नीचे दो पैराग्राफ है। अब जो दूसरा है उसमें लिखा हुआ है सेल प्राइस एंड सेल वॉल्यूम वेरियंसेज फॉर अक्टूबर यूजिंग स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग वुड बी एज फॉलोज। तो अब ये जो एज फॉलोज है ये सोल्यूशन है, यानी रिक्वायरमेंट क्या हुई, सेल प्राइस एंड सेल वॉल्यूम वेरियंस दोनों, मार्जिनल वाला भी और एब्जॉर्प्शन वाला भी। एक ये सवाल होमवर्क हो गया, नोट करते जाना बाकी लोग भी। अच्छा, तीसरा होमवर्क इसी से अगली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थ्री, बल्कि हाँ ये अभी इसका पार्ट सी भी है, वो मिस हो गया, पार्ट सी भी है नीचे ऐसे ही, बिल्कुल पार्ट सी भी है। तो ये एग्जाम्पल पूरी हो गई, फिर इसके बाद इससे अगली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थ्री, और पुराने आई के क्वेश्चन बैंक में ये 10.3 थी। नई में पेज 373 पे एग्जाम्पल थ्री, और उसमें भी पेज 374 के टॉप पे जो तीन बुलेट पॉइंट्स है ना, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके नीचे सॉल्यूशन शुरू हो गया है। 374 के टॉप पे जो तीन बुलेट पॉइंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं तीनों, उसके नीचे सॉल्यूशन शुरू कर दिया इन्होंने। तो सॉल्यूशन पे आंखें बंद कर लेना, बस ऊपर तक रहना। कितने हो गए सवाल, तीन? अच्छा चले, एक और बस, ये जो एक और है ना ये जरूर करना, और वो है इससे अगला एग्जाम्पल फोर। चार सवाल हो गए बस, एक मैंने पास पेपर का दिया है और तीन आई कैप से दिए। हाँ तो 1-1.5 घंटे में हो जाएगा ये, लेकिन देखें ये आप ही के लिए दे रहा हूं मैं, आप इन फार्मूलों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको फार्मूले बेसिक डाटा से कैलकुलेट करने आ जाएंगे, ताकि जब मुश्किल सवालों पे जाएं तो आप कम से कम फार्मूलों की कैलकुलेशन में ना उलझे रहें। ये वेरिएंस वाला जो चैप्टर है ये नॉर्मली स्टूडेंट्स में मुश्किल समझा जाता है, और उसकी मैं यही वजह समझता हूँ कि स्टूडेंट्स ने फार्मूलों की कोई प्रैक्टिस नहीं की होती, सीधे हाथ ही मुश्किल सवालों पे डालते हैं, और फार्मूले याद भी नहीं किए होते कि एंड पे याद कर लेंगे तो मुश्किल ही लगना है। तो फार्मूले आप बार बार याद करें, रोज रोज याद करें, सुबह दोपहर शाम,
और ये बेसिक सवाल करेंगे तो मुश्किल सवाल करना। तो ये देखें सिर्फ चार सवाल दिए आपको, आई कैप का एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। और जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक था 10.2, 10.3, 10.4, तीन सवाल ये हो गए। और एक मैंने पास्ट पेपर का सवाल दिया है जो कि पैक की बुक में है, आई कैप में भी नहीं है और राइस की बुक में भी नहीं है, तो उसकी मैंने कहा है कि कोई पिक्चर सेंड कर दे। ठीक है, ये करना है, करके आइएगा। आज थर्सडे है ना, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह पूरी। पिछला वाली नहीं अभी तक अपलोड हुआ। सही बुखारी में रिवायत है। और ये अभी जो बात हो रही थी इससे कतरी ऐसे लिंक हो गया। जब हम कुछ अच्छे काम करने लग जाएं और दूसरों को नसीहतें करने वाली भी बन जाएं, जैसे मैं अब इस मोड में हूँ कि मैं आप लोगों को नसीहतें कर रहा होता हूँ या बयान कर रहा होता हूँ, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीहत फरमाने के लिए कुछ दिन मुकर्रर कर देते थे इस डर से कि कहीं हम उकता ना जाए। यानी कुछ डेज रख लिए थे बस, उन पे फिर हमें वो नसीहतें करते थे। ये ना हो कि बार 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 तो इंसान तंग आ जाए। तो जो आप में से अच्छे काम करने लग जाएं और हर वक्त दूसरे को नसीहत ही नसीहत करते रहें तो उससे अगला ना उकता जाएगा। हाँ, अगर आपका रिलेशन ऐसा बन चुका है कि आपकी नसीहतें वो एब्जॉर्ब कर रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जो माँ बाप हैं वो अब उस मोड में होते हैं कि हर बात पे बस नसीहत 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 नसीहत, उससे बच्चे चिढ़ जाते हैं। या आप अगर बड़े बहन भाई हैं तो हर बात पर छोटों को नसीहत नसीहत नसीहत, उससे चिढ़ जाते हैं। तो अगले के साथ ताल्लुक अच्छा रखें, कम्फर्ट जोन में रखें, फिर प्यार मोहब्बत से आप जो अमर बिल मारूफ कर सकते हैं ज़रूर करें। लेकिन अगर कंटिन्यूसली फायर टा 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 फायर नसीहतें, तो फिर अगला उकता आ जाता है। तो उस पर हजूर सल्लम साहबा मतलब हम सब में आला तरीन लोग, आला तरीन टीचर और आला तरीन स्टूडेंट्स, वो लोग ना उकता आ जाए। तो आप सल्लम ने दिन रखे हुए थे, तो ये बड़ी गाइडेंस है ज़बरदस्त किस्म की। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, कॉल